ऑलमोस्ट हर गेमर ने या तो रेजिडेंट इविल नेम सुना होगा या फिर ये गेम खेली होगी, पर क्योंकि इस गेम के 15 से भी ज्यादा स्टैंड लोन टाइटल्स बन चुके हैं, इसलिए लेट्स सी वेदर विच आर द टॉप 5 आरई गेम्स एवर मेड। टॉप 5 रेजिडेंट इविल गेम्स कौन सी हैं? तो अब इस वीडियो में मैं जो भी कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर, कमेंट में गाली मत देना कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गेम टॉप पे नहीं हो सकती। ये मेरा प्लीज सिर्फ अपना ओपिनियन है, तो दिल पर मत लेना, आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना है। तो लेट्स बिगिन। नंबर 5, रेजिडेंट इविल 5। रेजिडेंट इविल 5 एक एक्शन हॉरर गेम थी जो कि टू प्लेयर्स के साथ खेली जाती थी। ये गेम लोगों को इतनी ज्यादा पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि ये गेम इतनी ज्यादा डरावनी नहीं थी, इतनी ज्यादा स्पूकी नहीं थी। पर सच कहूं तो ये गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड थी, क्योंकि ये गेम भले ही उतनी ज्यादा स्पूकी ना हो, उतनी ज्यादा हॉन्टेड ना हो, पर ये काफी अच्छी एक्शन गेम थी और अपने 5th पोजीशन को राइटफुली डिजर्व करती है। नंबर 4, रेजिडेंट इविल 3। हर फ्रेंचाइज में जब तक थर्ड गेम रिलीज होने लगती है तब तक व्हील्स स्टार्ट टू कम ऑफ। द सेम इज नॉट ट्रू फॉर रेजिडेंट इविल 3। दिस गेम वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप गेम्स ऑफ दैट एरा एंड दिस गेम डिड कंप्लीट जस्टिस टू इट्स रेजिडेंट इविल मोनिकर। लास्ट में यही कहूंगा कि ये गेम अच्छे से अपनी ट्रायलॉजी को रैप अप करती है, और अगर आपके पास टाइम है तो इस गेम को जरूर खेलना। और अब तो ये गेम एंड्रॉयड डिवाइसेज में भी आप एमुलेट कर सकते हो एमुलेटर के थ्रू। नंबर 3, रेजिडेंट इविल 2 रीमेक। ये गेम मैं फिलहाल खेल रहा हूँ और ये बहुत ही ज्यादा स्पूकी है, हॉन्टेड है और डर लगता है बहुत इस गेम में बहुत ज्यादा। ये गेम पूरी तरह से सर्वाइवल हॉरर गेम है। अनलाइक रेजिडेंट इविल 5, आप इस गेम में बहुत वीक होते हो और सिर्फ 3 या 2 हिट्स में ही मर जाते हो आप। इस गेम में ऊपर से बुलेट्स भी बहुत ज्यादा अनमोल होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, मिलना बहुत मुश्किल है इस गेम में बुलेट्स का। ये गेम करंट जेन कंसोल्स में अवेलेबल है और इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा गॉर्जियस हैं, एंड डैम लियोन लुक्स हॉट एज फाफड़ा। नंबर 2, रेजिडेंट इविल 7। इन मैनी वेज दिस वॉज द कमबैक ऑफ रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज। इस गेम में रेजिडेंट इविल टर्न टू द फर्स्ट पर्सन राउट फॉर द फर्स्ट टाइम। रेजिडेंट इविल 7 वाज अ डेंजरस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर ये गेम फेल हो जाती तो आज रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज नहीं होनी थी। बट रेजिडेंट इविल 7 वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एंड ये गेम उस चीज को वापस लेकर आती है जिस चीज की वजह से रेजिडेंट इविल फर्स्ट प्लेस में हिट हुई थी, और वो थी स्पूकीनेस। ये गेम बहुत ज्यादा डरावनी है, इस गेम को खेल के बहुत ज्यादा डर लगता है। आप ये एक बार एक ये क्लिप देखो और खुद सोचना कितना डर लगता है। No! Fucking asshole! Hey, bitch! Have you heard of... Oh, fuck, I was gonna flame her. No! Number 1, Resident Evil 4. Talk about perfection. Perfect combo of action and horror, check. Perfect protagonist, check. Perfect setting, check. Perfect menu music, check. Perfect story, check. Resident Evil 4 मेरी top 10 favorite games में से एक है, ना कि Resident Evil की top 10 games, but in my whole life, out of all the games, Resident Evil 4 stands in the top 10 place. Resident Evil 4 was and still is a masterpiece. Resident Evil 4 हर platform पर easily available है। ये game PS2 में भी बनी है, Windows में भी बनी है, PS3 में भी इसके रीमेक्स या HD versions हैं, एंड PS4 में ही बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी से ये गेम चल पड़ती है। एंड्रॉइड में भी इस गेम का एक पोर्ट बना है और एमुलेटर से आप इस गेम को एंड्रॉइड में चला भी सकते हो। तो इस गेम को ना खेलने का तो कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक गेमर हैं तो ये गेम आपकी बकेट लिस्ट में होनी ही चाहिए, और इस गेम को तो आप ऐसा मान लो ये एक ऐसी गेम है जो कि आपको मरने से पहले खेलनी चाहिए। तो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, दिस इज द बेस्ट रेजिडेंट इविल गेम एवर मेड, पीरियड।